साथ ही में काफी लोग डिमांड कर रहे थे कि मैंने अपनी गाड़ी में क्या क्या कराया है, तो वो अपन एक बार देख लेते हैं। और ये कोई Z6, Z8, Z8L से रिलेटेड नहीं है, ये रिलेटेड है Z2 से। काफी लोग बोलते हैं कि हम कपलर टू कपलर कर देंगे इसको, लेकिन कपलर टू कपलर कुछ नहीं होता है। रही बात फॉग लैम्प की, तो काफी सारे डीलरशिप वाले आपसे ये भी बोल रहे हैं कि आप बाहर से फॉग लैम्प ले आइए, हम आपको इंस्टॉल कर देंगे। तो ये वीडियो उन सभी भाइयों के लिए है जो Z6, Z2, Z4 को टॉप मॉडल बनाना चाहते हैं। हे गाइस, आप देख रहे हैं टेकारन, मैं हूं आर्यन शर्मा। तो सबसे जो मोस्ट डिमांडिंग वीडियो थी वो मैं लेके आ गया हूं। और ये कोई Z6, Z8, Z8L से रिलेटेड नहीं है, ये रिलेटेड है Z2 से। जी हाँ गाइस, तो आपने सही सुना है, Z2 जो है उसका प्रोडक्शन जो है वो अब स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट वीक, जो अभी पिछला वीक गया था, वहीं से इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है। और रोज़ कम से कम 20 व्हीकल्स अभी बन रहे हैं प्रोडक्शन में, और इसी चैनल पर आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मैंने दी है। और साथ में आने वाली वीडियोस में आपको मैं प्रॉपर वीडियो भी शूट दूंगा, जैसे कि मैंने Z6 की वीडियो आपको और Z8 की वीडियो सबसे पहले इंडिया में मैं लेके आया था अपने चैनल पर, तो Z2 की वीडियो भी मैं अपने चैनल पर सबसे पहले लेके आऊँगा। और क्या पता नेक्स्ट या फिर मोस्ट प्रोबेबली अगर देखा जाए तो 3 से 4 दिन के अंदर अपने पास Z2 की वीडियो, प्रॉपर वीडियो आ जाएगी। और उसके अंदर जो जो फीचर्स हैं, जो भी कॉस्ट कटिंग हुई है, अगर कॉस्ट कटिंग हुई है नहीं हुई है, वो सब हम अपन बात कर लेंगे। साथ ही मैम, काफ़ी लोग डिमांड कर रहे थे कि मैंने अपनी गाड़ी में क्या क्या कराया है, तो वो अपन एक बार देख लेते हैं। क्योंकि मैंने अब तक अपनी गाड़ी में इतना कुछ कराया नहीं है, क्योंकि मेन चीज़ थी फॉग लैम्प्स और कैमरा। फॉग लैम्प्स और कैमरा अभी कंपनी में अवेलेबल नहीं है, लेकिन जल्द ही कैमरा अवेलेबल होने वाला है। तो जी हाँ, आपके लिए, सभी के लिए गुड न्यूज़ है, जो भी Z6 यूज़र हैं और Z4 यूज़र हैं, सभी के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि कैमरा अभी विदिन 1 वीक डीलरशिप में अवेलेबल हो जाएगा। तो आप प्लग एंड प्ले वाला जो कैमरा है वो डीलरशिप से करवा सकते हैं। जिन लोगों ने नहीं करवाया उनके लिए अच्छी न्यूज़ है, अगर जिन्होंने करवा लिया है तो वो एक बार ऑप्ट भी कर सकते हैं, अगर उनको वो उससे सेटिस्फाई नहीं है तो वो उसको ऑप्ट कर सकते हैं। तो अभी मैंने सिर्फ गाड़ी में 2 या 3 चेंजेस कराए हैं, वो मैं बता देता हूँ। तो मेन चीज़ है अपनी 18 इंच के जो अपन ने रीम लगवाए हैं, 18 इंच के अपन ने एलॉय लगवाए हैं, तो देख सकते हैं आप कितने प्यारे एलॉय लग रहे हैं, ठीक है। साथ में मैंने मड स्लैब लगवाए हैं गाड़ी में। तो गाइस, Z2 वाली न्यूज़ तो आप लोगों ने सुनी लिया, जैसे कि मैंने आपको बताया दिया है। बहुत सारे लोगों के हर वीडियो पे कम से कम 10 से 15 कमेंट ऐसे थे कि Z2 का अपडेट दीजिए, Z2 का अपडेट दीजिए। तो वो आपको सभी को मिल ही चुका है, और आपको कुछ टाइम में Z2 भी देखने को मिल ही जाएगी। एंड आपको ये भी पता है कि इसी चैनल पर सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे क्या कि आपको जो लेटेस्ट अपडेट है वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो अभी मुझे एक डिस्कशन और करना है आप लोगों से, कि काफ़ी सारे लोगों की क्वेरीज आ रही है कि जिन लोगों ने Z6 ले लिए, जैसे कि हमारे ग्रुप में भी काफ़ी लोग ऐड हैं, ऑलमोस्ट 300 से ऊपर लोग ऐड हो चुके हैं हमारे ग्रुप में। अगर आपको भी ऐड होना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से ऐड हो सकते हैं। तो बेसिकली उन सभी लोगों का डाउट था मॉडिफिकेशन से रिलेटेड, कि मैंने मॉडिफिकेशन के लिए कोई वीडियो डाली है, क्यों नहीं डाली है, मैंने जो भी मॉडिफिकेशन किया है वो मैंने अब तक क्यों नहीं बताया। बेसिकली जो मॉडिफिकेशन है उसमें मैंने सिर्फ अभी तक एलॉय लगवाए हैं और मड फ्लैप लगवाया है, बाकी जैसे कि फुट मैट है, तो फुट मैट अभी जो Z6 6.2 में जो चेंजेस किए गए, उसमें जो पीछे का बम था वो इन लोगों ने हटा दिया था। तो अभी पर्टिकुलर जो प्रॉपर मैट है अभी कहीं पर नहीं मिल रहा है, आपको डीलरशिप पर भी लेने जाओगे तो डीलरशिप पर भी प्रॉपर मैट नहीं मिलेगा, तो उसके लिए कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा, तो वही मैं वेट कर रहा हूँ। सेकंड, लोगों ने बोला कि फॉग लैम्प इंस्टॉल करवाएं नहीं करवाएं, देखिए सबकी अलग थिंकिंग होती है, मेरी अलग थिंकिंग है कि अगर आप 20 लाख रुपये कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप बाहर से खुलवाना अपनी गाड़ी को बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। काफ़ी लोग बोलते हैं कि हम कपलर टू कपलर कर देंगे इसको, लेकिन कपलर टू कपलर कुछ नहीं होता है, कपलर टू कपलर कुछ नहीं होता है। तो गाड़ी की जो वायरिंग होती है वो सबसे कॉस्टली चीज़ें होती हैं, और उसके अंदर अगर अपन कुछ भी छेड़छाड़ करते हैं तो सबसे मेजर सेफ्टी इशू हो सकता है। जितनी भी गाड़ियों में आग वगैरह लगती है आपने देखा होगा, तो ज़्यादातर 90% जो केसेस होते हैं उसके अंदर वायरिंग के इशू की वजह से लगती है। तो मैं आपको बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगा कि आप वायरिंग छिड़वाएं अपनी गाड़ी की, और बाहर से अगर फॉग लैम्प लगवाएं या कुछ भी आप लगवाएं, हाँ आप हेडलैम्प जरूर चेंज करा सकते हैं, उसमें आप LED चेंज करा सकते हैं, क्योंकि तो वो नॉर्मल बल्ब होता है, लेकिन उसमें भी पर्टिकुलर आप 65 वॉट से ऊपर की LED जो है वो यूज़ ना कीजिए। रही बात फॉग लैम्प की, तो काफ़ी सारे डीलरशिप वाले आपसे ये भी बोल रहे हैं कि आप बाहर से फॉग लैम्प ले आइए, हम आपको इंस्टॉल कर देंगे, लेकिन वो भी पार्किंग लाइट के साथ एक तरह से जुगाड़ लगा के इंस्टॉल कर रहे हैं। तो आप कुछ टाइम थोड़ा रुक जाइए, तो आप फायदे में ही रहेंगे, थोड़ा नुकसान नहीं हो रहा। अगर जिनके पास ब्लैक है तो उनको तो अभी कोई नीड नहीं है, जिनके पास वाइट है उनको थोड़ा इशू हो सकता है कि वाइट में अलग से फॉग लैम्प दिखते हैं, ठीक है। जो मेजर चीज़ें हैं वो फॉग लैम्प्स और कैमरा हुआ, तो कैमरा जो है वो लगभग 10 से 15 दिन के अंदर
डीलरशिप में अवेलेबल हो जाएगा। कैमरा जब भी अवेलेबल होगा तो अपन भी इसको वीडियो में डालेंगे अपने, तो मतलब हमको कैसा लगा है। अब जिन लोगों ने कैमरास लगा दिए हैं अच्छी बात है उनके लिए, और जिन्होंने नहीं लगाया तो वो कुछ टाइम के लिए रुक जाइए, क्योंकि बिल्कुल जो प्रॉपर Z8 का कैमरा है, Z8 का कैमरा हम आपको दिखा चुके हैं वीडियो में, जिसके अंदर कोई भी 1% भी लैग नहीं है, वही कैमरा आप Z6 में भी इंस्टॉल होगा और वही उस प्रॉपर फिटमेंट के साथ ही होगा। उसकी PDF हमने ग्रुप में अपने शेयर भी की थी, ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, तो ग्रुप में शेयर की थी, तो उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ था कि जो भी प्रॉपर फिटमेंट है वो आपको अवेलेबल कराए जाएंगे कैमरा के साथ, और उसकी नॉर्मली जो कॉस्ट होगी वो 3000 से लेकर 6000 होगी, इससे ऊपर नहीं होगी। आप बाहर से लगवाते हैं, पोट्रोनिक्स का लगवाते हैं, किसी भी अच्छी से अच्छी कंपनी का लगवाते हैं, बेसिकली उसका मेगापिक्सल वगैरह तो आप अच्छा ले लेते हैं, लेकिन उसका जो इंक्रिप्शन है वो हर कोई उसको मैनेज नहीं कर पाता। अब आप खुद ही सोचिए कि जब कंपनी नहीं लगा पा रही है, बाहर से आप लगवा रहे हैं, काफ़ी सारे XYZ स्टोर हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप उनको लगवा रहे हैं तो आप एक तरह से रिस्क ही ले रहे हैं, क्योंकि उसमें ना तो इतनी अच्छी क्वालिटी आ रही है। अब आप तो ये वीडियो उन सभी भाइयों के लिए है जो Z6, Z2, Z4 को टॉप मॉडल बनाना चाहते हैं। तो सीधी बात, मेरा मैंने अपने वीडियो में पहले भी बोला है और अभी बोलूँगा कि टॉप मॉडल बनाने में आप उसको ना तो बेस छोड़ेंगे, ना मिड छोड़ेंगे, ना टॉप छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं रहेगा उसके अंदर। तो जो भी आपके नेसेसरी वाली चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए सीधी बात यह है कि Z4, Z6 और Z2 वही लोग ले रहे हैं जिनका बजट इशू है, बजट टाइट है। हम खुद गाड़ी चलाने के लिए ले रहे हैं, दूसरों को दिखाने के लिए ले रहे हैं। सीधी बात यह है कि आप जो नेसेसरी चीज़ें हैं, जैसे कि फॉग लैंप्स हुए, कैमरा हुए, ठीक है ना, मड फ्लैप हुए, और नॉर्मल जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो आप इंस्टॉल करवाइए, वो भी मैं तो कह रहा हूँ कि कंपनी से ही करवाइए, जिससे कि आपकी वारंटी वॉइड नहीं रहेगी। अगर कुछ भी इशू होता है, अगर आप बाहर से कराते हैं कुछ भी इशू होता है, तो कंपनी आपको ही ब्लेम करेगी कि आपने वायरिंग से छेड़छाड़ करी है गाड़ी की, और इंश्योरेंस कंपनी भी क्लेम नहीं देगी आपको। हाँ, एलॉय व्हील की बात अलग है, एलॉय व्हील अगर आपको लगवाना है, जैसा कि मैंने एलॉय व्हील लगवाए हैं तो 18 इंच लगवाए हैं मैंने OEM, और वो मुझको प्राइस पड़ा है 54,000, काफ़ी लोगों को डाउट भी था। तो OEM एलॉय आप लगा सकते हैं, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको कंपनी से ही लगवाना है, बाहर से लगवाना है, आप कहीं से भी लगवा सकते हैं। कंपनी पे आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा, बाहर थोड़ा आपको सस्ता पड़ जाएगा, तो मैं बोलूँगा कि आप बाहर से ही लगवाएं अगर आपके यहाँ अवेलेबल हो तो। तो जल्दी आपको Z2 की वीडियो भी देखने को मिलेगी, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। आप प्यार तो खूब देते हैं वीडियो को, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए TechRN के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और बना दूंगा बचेंगे थपेड़े, न्यू मैं करता नहीं बखेड़े, पर आज जरूरत थी, गलत नहीं होने देना, सिखावे मेरे गांव के खेड़े, मेरे तैन गवारों की हरकतें ना झिड़की।